हमारे साथ जेसन पर. ओह थ्री मोर. ओके लेट्स क्विकली डू दिस बिकॉज़ लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग. और राइडर जब अपनी बाइक पे बैठता है तो वो 18 साल का लौंडा होता है. एज नहीं देखना कभी भी और बाइक मत देखना. बट बाइकिंग इज समथिंग यू मस्ट एंजॉय. आई मीन लुक एट अस, वी आर नॉट सो ओल्ड एज यू आर. कि कोई बाइक लॉन्च हो रही है यहाँ पे, तो उसको कवर करने के लिए हम चलते हैं, देखते हैं कौन सी बाइक की लॉन्च हो रही है. बाइक लॉन्च का देखते हैं कैसे क्या होता है. फिर मेरे को भी अकल आई कि नहीं भाई ये गलत है. और गेट वेट्स कुछ नहीं होते थे, हेलमेट जरूर पहनता था मैं स्टार्टिंग से. पर फिर 2-3 साल निकले तो फिर मैंने पैसे कलेक्ट किए धीरे धीरे, तो फिर मैं R15 खरीदी अपनी. क्या की छोटी बाइक कोई नहीं है, बड़ी बाइक कोई नहीं है, जो भी बंदा चला रहा है उसको सिंसियरली चलाओ. ये बाइक है जैसे मेरी 120-130 तक पहुंचती है, पर उसके ये मतलब नहीं कि रोड के हिसाब से चलाना चाहता है. उसको कंट्रोल कर सकते हो, अगर कंट्रोल नहीं कर सकते उसको भगाया जाए तो कोई फायदा ही नहीं है. तो बस ये कहना था. थैंक यू. Guys, so this is, I think, a story of most of us. ये सबने हमने करा है, and thank you so much for sharing it with us. And one day, I'm pretty sure that you'll get your dream motorcycle. Rider सिर्फ rider होता है, अपने तरीके से चलाओ. और rider जब अपनी bike पे बैठता है, तो वो 18 साल का लौंडा होता है. Age नहीं देखना कभी भी, और bike मत देखना. But चलाओ तरीके से. जिसका 110 तक जाता है, वो 100 पे चलाओ. उससे ज़्यादा मत चलाओ. Throttle देने में कुछ नहीं जाता. रोड नहीं जानती जैसे इन भाई साहब ने बोला. तो 18 साल का लौंडा बन के रहना बस. ओके तो सारे पूछ रहे हैं एंड एवरीवन्स टेलिंग एवरीवन कैसे राइडिंग शुरू की. ओह हेलो मैम, वेलकम वेलकम. आई एम जनरल सोनी, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. दैट्स कर्नल तजिंदर. ओके तो मैंने व्हेन आई वाज इन क्लास 7 मैंने चोरी से अपने डैड की लम्बरेटा चलाई और बड़े जूते पड़े. और लम्बरेटा याद है किसी को भी? याद है. ओके ओके स्कूटर यार, वो एवरीथिंग यूज्ड टू शेक एंड आई केप्ट पेस्टरिंग हिम, मुझे बाइक लेके दो बाइक लेके दो. नेवर मटेरियलाइज्ड. व्हेन आई बिकेम एन ऑफिसर, डिस्पोजल बुलेट खरीदी. डिस्पोजल याद है किसी को? वो जो पुरानी जो आर्मी से कंडम होके बाइक्स निकलती थी बाहर, वहाँ आसपास में मायापुरी में उनको रिफर्बिश करके 3,500 में बेचते थे. तो मैंने 3,500 की वो बाइक खरीदी. उसके बाद आई एम अ बुलेट मैन. उसके बाद 350cc कॉन्टिनेंटल GT हिमालयन एंड नाउ आई गॉट एन इंटरसेप्टर. बट व्हाट एवरीवन मस्ट नो एंड व्हाट दे हैव बीन ऑल सेइंग इज दैट यू नो यू मस्ट राइड रिस्पॉन्सिबली. यू हैव ओनली वन लाइफ एंड यू आर सिटिंग ऑन द बाइक. But there are 500 people who are sitting behind you in their respective homes who are waiting for you to come back. So you owe it to them to come back safe and sound. So apna khyal rakhe, saath mein dusre riders ka khyal rakhe. But biking is something you must enjoy. I mean, look at us. We are not so old as you are. You know, we are younger guys. And we love it because it puts the breeze in our hair, jitne bhi baal hai. Theek hai na? And it makes you feel good. So in life, you must do something that makes you feel good. Whether it's buying a new bike, riding your old bike, it's up to you. But you have to do something that makes you feel good. And for me, biking is what makes me feel good. And meeting all you wonderful people, you boys and girls and all of you, it's a pleasure to meet you. God bless you all. Keep riding. And like I said, social media is meant to be social, not anti-social. Don't be mean to somebody because you don't know what their feelings are and how you're hurting them. Be nice. It costs nothing. God bless you all. God bless you. Sir, thank you so much, sir, for the kind and inspirational words. Started when my mother put me on roller skates when I was about 6 years old. So I guess I've been riding since when I was 6. And like everyone, meri riding journey started with the Luna se, jiska main carburetor saaf kar sakti. I knew how to do it. RX 100, which remained my first bike for like donkey's years. Uspe sabji, bache, sab office, been there, done that. But wo jo ek Harley ka hota na thump, wo
बहुत पहले सुना था किसी जब बाहर गए थे वो दैट वॉज इन साइड मी. तो जब पता लगा हार्ली 750 इज इन इंडिया एंड द बेस्ट पार्ट इज इट वॉज अफोर्डेबल 5 लाख में आती थी, मेरे पी एफ में से इतना पैसा था कि आई कुड बाय इट. सो दैट वॉज माई फर्स्ट सुपर बाइक एज ही आज. एंड देन आफ्टर सम टाइम जब लंबी राइड पे व्हेन यू गो यू रियलाइज एवरीबडी एल्स इज गोइंग अहेड ऑफ यू और तुम घी 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 कर रहे हो. 750 cc चलती नहीं है, बड़ी वाली एक और ले ली और जिस दिन ली उसी दिन ही गिरा दी. दैट्स ओके. सो नाउ आई हैव अ फैट बॉब बट ठीक है. वी वर राइडिंग इन ले कर्सी इन समवेयर बैक इन 98 बिकॉज वी वर पोस्टेड देयर. तो जब इट वॉज नॉट इवन कूल टू राइड टू ले वी वर राइडिंग टू ले. माई आर एक्स 100 वॉज राइडिंग टू पैंगोंग एंड खारदुंगला एंड एवरी प्लेस एल्स बिकॉज फॉयज डिसाइडेड अस टू सेंड अस टू द पैराडाइज ऑन अर्थ. This platform of XBHP, when I started riding in Delhi as a rider, वैसे तो सब्जी लेने हर कोई जाता है ऑफिस. This guy has been instrumental in motivating, getting people together. A beautiful one, but we small riders can also have that feeling. Wow. And this very thoughtful explanation for a name, I must admit. Yes. So the Flying Elves Riders Club is my group and I had also created YouTube channel. आपका भी और दूसरों का भी three oh three more. Okay, let's quickly do this because lot of people are waiting. Please वहाँ पे. सो ये रही जी एस बाजी वाली. कितने डाउन टू अर्थ है, साथ में फोटो खिंचाई, वीडियो बनाया, बिल्कुल आराम से. नीलम बहुत बहुत जबरदस्त, जैसे वीडियो में देखा करते थे, आज सामने में देख के अलग ही फील आ रही है. बड़ी बाइक्स की फोटो लेने आता था. आज ही इज इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल, एंड ही हैज गॉट दिस पावर विद हिम जो YouTube और इनके सोशल मीडिया चैनल्स पे है टू इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ यंगस्टर्स. तो आई थिंक दैट वे यू आर अ हेल ऑफ अ पावरफुल पर्सन एंड यू कैन इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ यंगस्टर्स. अपॉलोजीज, मैं पहले थोड़ी अपनी एनर्जी चार्ज करना चाहूंगा बिकॉज पूरी रात नहीं सोए हूँ ये सोचते हुए कि इस बार कौन सी बाइक ले ली. पिछली बार तो धमाका किया था. नाउ आई रियली वांट टू सी दिस एंड ऑब्वियसली ये भी जो होगी ये एक रेगुलर डिलीवरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ नया होगा फॉर श्योर बिकॉज ही इज नोन फॉर दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, दैट काइंड ऑफ लेवल ऑफ. बट यहाँ पे अगेन एज अ सेट कि मैं पूरी रात नहीं सोया तो थोड़ी एनर्जी लो है, थोड़ा इसको चार्ज करता हूं. राइट, व्हाट्स अप लवली पीपल, की हाल चाल, की हाल चाल, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश. ये हुई ना बात, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा अभी हमारा हर्ष बोल रहा है कि एक और बार हो जाए. व्हाट्स अप लवली पीपल, की हाल चाल, आवाज नहीं आई, की हाल चाल. नाउ दैट्स नाइस. तो सनी भाई ने बिल्कुल सही बात बताई है कि देखो XBHP एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक फोरम जहां मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज अगेन बिग एम्बिशियस, बिग ड्रीम्स की सुपर बाइक लेनी है, देखनी है. तो मैं ढाबा पे जाता था जो इनका मीटिंग पॉइंट होता था, वहां पे बाइकर्स से तब तो रिक्वेस्ट भी नहीं करते थे हम लोग, बेशरम होते थे, किसी बाइक पे चढ़ के बैठ जाते थे, भाई फोटो खींच फोटो खींच. सो अगेन इट वॉज वेरी बिग स्ट्रगल. अब मेरा जो बैकग्राउंड है हम्बल बैकग्राउंड है, मतलब पेरेंट्स का ठीक है, उनसे मैं बोल नहीं सकता कि सुपर बाइक दिला दो बिकॉज अगेन इट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर देम एज वेल. तो मैंने IT की जॉब करी, वेबसाइट डिजाइन करी, इनकी वेबसाइट देखी, उसकी कॉपी बनाई, रिप्लिका बनाई, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ किया. समहाउ 5 साल लगे मेरे को पहली बाइक लेने में, विच वॉज दी हायबूसा, पीछे घड़ी है. रिसेंटली मैंने मारा था जब मैंने लास्ट GSA ली थी. पहली बाइक लेने में 5 साल लगे थे बट अभी 1 साल में मैंने 5 बाइकें ले ली. सो ये जो छोटा सा एक डायलॉग है इसको बनाने में बहुत साल लगे, इसको बोलने में, उतना कॉन्फिडेंस लाने में बहुत साल लगे. बट द रियलिटी चेक इज गाइस, मैं आप में से ही हूँ, आप जैसा ही हूँ. आई यूज टू लव बाइक्स, स्टिल आई प्रेफर बाइक्स ओनली. गाड़ियों के ऑप्शन मिलते हैं, चलाते हैं, बट जो दिल है वो यहीं पे टिका हुआ है. पर जब ट्रैक पे आते हैं लोग, जैसे बूथ इंटरनेशनल सर्किट का किंग हो, फिर क्या हो जाता है, कॉर्नर ले नहीं पाते लोग. यार तुम्हें तो, अच्छा तुम्हें तो, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा तुम आगे हो गए पीछे क्या हो रहा है, तुम्हें तो पता ही नहीं होगा. मिरर्स नहीं होते ना इसलिए. अच्छा ये बताओ कि इनके, इनका एक और वो है कि इनके डैड भी, एक्चुअली डैड ने ही इनको ट्रेन करा. सो अर्लियर गुरविंदर जी हु इज योर डैड, ही वॉज अ चैंपियन 1000 cc. फिर इसको उन्होंने ट्रेन करा और अपने आप वो थोड़ा सा डिमोट हो गए, 600 cc में चले गए कि बेटे को चलाने तो जीतने दो. और अब इनका छोटा भाई वो भी अब इनके कॉम्पिटिशन में आ रहा है भाई, मार्क मार्केज और एलेक्स का सीन हो रहा है. वैसे ही होगा, अभी वो सीख रहा है थोड़ा, पर
आ रहे हैं आराम आराम से ऊपर। ये बताओ सिमरन, रेसिंग इज लाइक मैथमेटिक्स, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी टेक्निकलिटी में जाओगे, उतना आप सक्सेसफुल होगे। दे कंसिडर देमसेल्व्स एज डिफरेंटली एबल्ड, सो हैट्स ऑफ टू यू, हेलमेट्स ऑफ टू यू, यू आर द रियल सुपरवाइजर्स। योर माइंड हियर इज द टफेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ अस, सो हेलमेट्स ऑफ। आमिर भाई जल्दी से कुछ शब्द। बिल्कुल, हमारी टीम का नाम है ईगल स्पेशलिस्ट राइडर्स, और यहाँ पास आने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है। आप लोग सुपर बाइक चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम 110cc इंजन चलाते हैं जो कि हमारे लिए स्पेशल है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा, बाइक एक बहाना था मिलने का, और ऐसे बहाने हम सब ढूंढे, तो रेडी। ओके, तो सबका हाथ रखना जी सर, प्लीज। सो दैट साइड। ओके, 3, 2, 1। आई वर्क हार्ड ईच एंड एवरी डे, I get lost in the words I say. I don't push pause, now I push play. So, ये RC8 है. This is 1190 RC8, the only superbike which KTM has made, and only 6 of them are in India. ये specially track के लिए है, और इसकी capability तो यही जानते हैं क्या हो सकती है। मतलब मैं तो थोड़ा धीरे ही चलाऊंगा इसको, and इसको start करें। So I just want to give a shout out to my core team, XBHP core team. मैं जब भी अपनी टीम के बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है जब मैं वो सीरियल देखता हूँ, जैसे ग्रीन एरो, फ्लैश, जो उनकी टीम होती है छोटी सी, 3-4 लोगों की, उनको पर वो ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं कि लोग सोचते हैं यार इनकी बहुत बड़ी टीम होगी। So I want to give a huge heartfelt thanks, because it's not easy to work with me and also in XBHP. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. आ गया फाइनल टाइम थोड़ा सा उनको बाय बाय बोलने की, बाइक ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े राइड में ब्रेक लिया जाता है, छोटे राइड में भी हमने 50 किलोमीटर में ब्रेक ले लिया है, और छोटे राइड के हिसाब से छोटा कोक पिया जा रहा है, कोक तो नहीं है जमता है, तो इसको लेके फिर आगे निकलेंगे। बोल मैं ड्राइव करूँ क्योंकि अब दिल्ली वाला एरिया आ जाएगा, तो थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह होगा तो मैं हैंडल कर लूँगा। गाइस हम लोग जस्ट सोसाइटी में पहुंच चुके हैं, बाइक पार्क कर दिया, और जो थोड़े बहुत जरूरत की चीज़ें हैं रॉबिन ले रहा है यहाँ पे, फ्रूट्स और सब्जी वगैरह लेके ऊपर चलते हैं। टाइम पता है कितना हो गया, 12 बजने वाले हैं। आई कांट बिलीव कितना टाइम लग गया हम लोग यहाँ पहुंचने में। अभी देख लो उसमें से फैन की आवाज़ आ ही रही है, अभी जस्ट गर्म गर्म आई है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं इसको ठंडे होने का। कमर की लग चुकी है, बैक की, थाइस की लग चुकी है, बट क्या मज़ेदार दिन था भाई। जेसन पाजी से मिल गया है, जेसन पाजी से जिसको देखा करते थे, जे एस फिल्म, जिसको नहीं पता है जे एस फिल्म जाकर चेक करो, पता लग जाए किन से मिल गया है। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर चलते हैं ऊपर रॉबिन।